हेलो स्टूडेंट, नाउ टुडे वी स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, रिपीट कमांड एंड प्रोसीड्योर इन MSW लोगो। आज हम लोग रिपीट कमांड और MSW के प्रोसीड्योर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में देखिए कुछ शेप हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे राइट द मिसिंग कमांड टू ड्रॉ द शेप गिवन बिलो। देखिए कुछ मिसिंग कमांड है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो उसी के अकॉर्डिंग कि आप फॉरवर्ड में और राइट साइड में कितना नंबर्स ले रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका फिगर शो होता है। यानी MSW में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें एक मेन होता है इसके बीच में टर्टल, उस टर्टल के अकॉर्डिंग ही हम फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट और लेफ्ट में एंगल्स के नंबर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा फिगर भी शो होता है। यानी सिर्फ MSW में हम लोग फिगर बनाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए इसका यूज़ करते हैं। देखिए यूजिंग द रिपीट कमांड, रिपीट कमांड होता क्या है। द रिपीट कमांड टेल द टर्टल टू रिपीट द गिवन कमांड अ सर्टन नंबर ऑफ टाइम। रिपीट कमांड क्या करता है, टर्टल को बताता, कहता है कि जो कमांड दिया गया उसमें सर्टन नंबर ऑफ टाइम कितने हैं। फॉर शेप सच एज स्क्वायर, उसमें कुछ शेप हैं जैसे स्क्वायर हो गया आपका, वेयर द सेम कमांड इज रिपीटेड फॉर द रिपीटेड फॉर ऑल द साइड्स। ठीक है, कुछ सेम कमांड है जो आपको ऑल साइड में क्या करता है, रिपीट करता है। द रिपीट कमांड कैन बी यूजफुल, रिपीट कमांड उसके लिए क्या है, यूजफुल। स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कमांड, देखिए इस फॉलोइंग कमांड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे रिपीट फोर, फॉरवर्ड में 100 हो और RT में यानी राइट साइड में क्या हो, 90 हो। तो ये जो फिगर शो कर रहा है यहाँ पर, ये जो फिगर शो कर रहा है, तो फॉरवर्ड में 100 की ओर भाग रहा है और राइट साइड में 90 की ओर। फिर ड्रॉ रिक्टेंगल, अगर रिक्टेंगल ड्रॉ करना है तो फॉरवर्ड में 100 है, राइट में 90 है, फिर फॉरवर्ड में 200 है, फिर राइट में 90 है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये फिगर भी आपका रिपीट कर रहा है। तो द नंबर ऑफ 4 और 2 आफ्टर द रिपीट कमांड डिनोट द नंबर ऑफ टाइम। यानी ये जो 4 और 2 है, जो रिपीट कमांड यूज़ हो रहा है, तो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ टाइम को, तो जिससे कमांड हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी पीछे की फिर से उसको वो क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। तो द कमांड टू बी रिपीटेड इज इंक्लोज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब रिपीट कमांड यूज़ होता है तो वो क्या होगा, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ में इंक्लोज होगा। अब देखिए मेकिंग पॉलीगन यूजिंग द रिपीट कमांड, अगर हमें पॉलीगन बनाना है तो हम रिपीट कमांड का यूज़ कैसे करेंगे। एनी क्लोज फिगर विथ 3 or more साइड इज कॉल्ड पॉलीगन। यानी एक क्लोज फिगर है जिसमें 2 या 2 से अधिक साइड्स होती है, वो हमारी क्या कहलाती हैं, पॉलीगन कहलाती हैं। अब पॉलीगन इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल, पॉलीगन में जितनी भी साइड हैं यानी जितनी उसकी लेंथ सब इक्वल होंगी, ठीक है, इक्वल लेंथ होगी सभी साइड्स में, वो हमारी क्या कहलाएगी, रेगुलर पॉलीगन। ये हमारा क्या है, रेगुलर पॉलीगन्स है। द रिपीट कमांड कैन बी यूज टू ड्रॉ रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रिपीट कमांड में हम लोग रेगुलर पॉलीगन्स को ड्रॉ करते हैं। द रिपीट कमांड फॉर अ पॉलीगन विद अ नंबर ऑफ साइड्स, इसमें नंबर ऑफ साइड दिए हुए जो लिखा हुआ है, जैसे फॉरवर्ड में नंबर ऑफ स्टेप हमारे कितनी जाएंगी, RT में राइट साइड में 360/N है, तो ये कुछ फिगर आपका शो किया गया है। जैसे ट्रायंगल में 3 हो गया, पेंटागन में 5 साइड्स हो गए, हेक्सागन में 6 होते हैं, ऑक्टागन में 8 होते हैं। तो टर्टल का जो टर्न होता है, जिसके द्वारा हमारा 360/3, 360/5, 360° / 6, 360/8, तो 120, 72, 60, 45, ये राइट साइड में कितना जाएगा, वो सारी चीज़ें हमारी शो कर रही हैं। सिमिलर यू कैन यूज़ द रिपीट कमांड टू ड्रॉ अदर पॉलीगन एज वेल। तो अदर पॉलीगन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो एज वेल हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेकिंग अ सर्कल, अगर सर्कल हमें मेकिंग करना है, अ सर्कल इज अ मेड ऑफ टीनी कर्व लाइन और आर्क। यानी टीनी कर्व लाइन जो हमारी मुड़ी हुई लाइन होती है और आर्क से हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्कल को मेट कर सकते हैं, ठीक है। कमांड अगर हमें यूज़ करना है, जैसे सर्कल बनाना है, तो हम उसको फॉलो करने के लिए ये जो कमांड दिया है 360/FD1 RT1, ये हम कमांड को टाइप करेंगे। अगर हमें पैटर्न ड्रॉ करना है तो यू कैन यूज़ द रिपीट कमांड इन डिफरेंट वे टू ड्रॉ पैटर्न। अगर पैटर्न ड्रॉ करना है तो उसको शो करने के लिए ये सारे फॉलोइंग कमांड्स दिए हुए हैं कि रिपीट अगर 20 है तो रिपीट 360 में FD1 होगा, फिर रिपीट 5 है तो FD50 होगा, रिपीट
थ्री है तो एफ डी 20 होगा, तो इस तरीके के फिगर आपके ड्रॉ होंगे। क्लियर है, ये फिगर आपको दिख रहा है ना, तो इस तरीके के फिगर ड्रॉ होंगे। अब देखिए व्हाट इज़ प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर मीन्स क्या होता है, देयर इज़ अ फिक्स ऑर्डर इन विच यू कैरी आउट ऑल द टास्क इन योर डेली लाइफ। फिक्स ऑर्डर में होता है और आपके जो डेली लाइफ में जो टास्क होते हैं ठीक है उससे बाहर का होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग आइस क्यूब। अगर आइस क्यूब हमें बनाना है तो हमें इस एक्टिविटी को यूज़ करना है। देखिए As you can see, there is a fixed order to step follow a making in ice cube. देखिए इसमें कुछ steps दिए हैं जिसमें order fixed है, जब हमें ice cube बनाना तो उसके लिए following step है। The order steps to carrying out a task from the beginning to end is called procedure. तो जो starting से यानी उसकी जब शुरुआत होती है और उसके ending तक जो task complete किया जाता है एक order के रूप में, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोसीड्योर कहलाता है। प्रोसीड्योर मेक इट ईजी टू डू कमांड टास्क क्विकली। तो प्रोसीड्योर से जो हमारा कमांड टास्क है वो जल्दी होता है। एंड व्हेन यू आर आस्क्ड टू मेक अ आइस क्यूब यू डू नॉट थिंक मच अ क्विकली कैरी आउट द प्रोसीड्योर। तो अगर आइस क्यूब बनाना है उसके लिए कुछ पूछा जाता है तो फिर उससे रिलेटेड आप सोच नहीं सकते कि कितनी जल्दी वो सारी चीज़ें हों। इन द सेम वे यू कैन डिफाइन ए सेट ऑफ कमांड। तो उसी वे पे हम लोग सेट ऑफ कमांड में लोगों का यूज़ करते हैं, कैरी आउट आर टास्क। अब देखिए प्रोसीड्योर इन MSW लोगों क्या है, यू कैन इंस्ट्रक्ट लोगों टू ड्रॉ फिगर एंड टू परफॉर्म कैलकुलेशन यूजिंग अ प्रोसीड्योर। यानी हम फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं प्रोसीड्योर में। अब प्रोसीड्योर इज़ अ सेट ऑफ कमांड गिवन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, इसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा जो कमांड को सेट करता है। यू जस्ट नीड to assign the name of a set of a command and save it. तो जो command है उसको assign करेगा फिर उसको save करेगा। When you type the name of save procedure, अगर आप save procedure के name को type करते हैं तो logo will execute the command in it. तो हमें program को command को देना होगा। Thus you do not have to type lengthy command repeatedly. तो जो हमारा कमांड होगा वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होना चाहिए, जिससे हमें बार बार उससे क्या हम उस क्योंकि उससे लेंथी होना भी नहीं चाहिए और हम कमांड को रिपीट कर भी नहीं सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू ड्रॉ अ सर्कल। तो इसमें रिपीट 360 FD1 RT1 है, उसमें सर्कल को हमें ड्रॉ करना है। यू कैन सेव द कमांड एज अ प्रोसीड्योर बाय द नेम सर्कल। तो सर्कल का नेम देंगे। दस एवरी टाइम यू टाइप सर्कल एंड एग्जीक्यूट इट लोगो विल ड्रॉ अ सर्कल। MSW प्रोसीड्योर का स्ट्रक्चर है, जैसे टाइटल हो गया वो प्रोसीड्योर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं नेम को असाइन करते हैं ठीक है। ये टाइटल से पहले हमारा क्या टाइप होगा, टू होगा, जो आपके सर्कल में टू सर्कल होगा। बॉडी है, ये सेट ऑफ कमांड है जिसमें हम लोग टाइप करते हैं, इसमें कमांड में प्रोसीड्योर हमका नेम क्या करता है, रन करता है। एंड है, ये लास्ट पार्ट है प्रोसीड्योर का जिसमें टाइपिंग इंस्ट्रक्शन देने के बाद में हम टाइप करते हैं एंड को, जिससे हमारा कमांड क्या हो जाए, बंद हो उसके लिए, मतलब हमारा कमांड अब इसमें क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब नेमिंग प्रोसीड्योर में कुछ रूल्स हैं, इसमें भी सेम है, कुछ वैलिड नेम है तो उसमें हमें क्या करना है, लेटर्स हो गए, नंबर्स हो गए, सिम्बल्स हो गए, ये सब लेटर हमेशा हमारे स्टार्टिंग में होने चाहिए। हम कभी भी वर्ड को राइट लेफ्ट पी यू एंड सो ऑन नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें लोगो कमांड को हम लोग क्या है, टू फॉरवर्ड इज अ नॉट अ वैलिड प्रोसीड्योर। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, फॉरवर्ड के लिए FD, राइट के लिए RT, लेफ्ट के लिए LT ठीक है, बैकवर्ड के लिए BK इसका यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसमें कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं होता है और कोई मैथमेटिकल साइन भी नहीं होता है। ये नेमिंग प्रोसीड्योर का एक रूल है। अब प्रोसीड्योर डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए पहले हमें क्या करना है, क्लिक इन द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे कीवर्ड टू बाय अ प्रोसीड्योर नेम, टू को मतलब टाइप करेंगे जो हमारा प्रोसीड्योर नेम दिया हुआ है, फिर प्रेस करेंगे इंटर की, टू मोर डायलॉग बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा, फिर इंटर करेंगे कमांड और प्रिमिटिव को जो आपके वन और अदर बाय प्रेसिंग इंटर की, मतलब कमांड देने के बाद में हम इंटर की प्रेस करेंगे, फिर टाइप करेंगे इंड, क्या टाइप करेंगे, इन टाइप करेंगे, फिर प्रेस करेंगे इंटर की और ओके बटन, ये जो चार फिगर दिया है इसी के अकॉर्डिंग
ठीक, फिर प्रोसीड्यूर को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, इनपुट बॉक्स में जाना है, जो आपके एग्जाम्पल हैं सर्कल उसको टाइप करना है, प्रेस करना है एग्जीक्यूट बटन को और फिर इंटर कर देना है। तो हम लोग प्रोसीड्यूर से मतलब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर प्रोसीड्यूर को सेव करना है तो फाइल मेनू में जाना है, फाइल मेनू में जाएंगे, सेव एप्स का ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा, उसमें नेम को टाइप करना है और फिर सेव बटन पे क्लिक करना है। और इसका आपके MSW लोगो का एक्सटेंशन जो होगा वो .lgo होगा। फिर एडिटिंग करना प्रोसीड्यूर को, प्रोसीड्यूर के एडिटिंग करने के लिए हमें फाइल मेनू में जाना है, एडिट ऑप्शन होगा, एडिट ऑप्शन पे जाएंगे तो एडिट प्रोसीड्यूर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर आप कोई चीज़ एडिट करना चाहते हैं तो उस पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे ओके, तो आपका एडिटर विंडो ओपन हो जाएगा। जो आप विंडो में चेंजेस करना चाहते हैं वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर क्लिक करते हैं फाइल मेनू में और सेव और एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिसमें सेव चेंज हमारा चेंज हो जाएगा। अब प्रोसीड्यूर को लोडिंग करना है तो फाइल मेनू में जाएंगे, हमारे पास लोड का ऑप्शन होगा क्योंकि रन कराने के बाद सेव करने के बाद हम उसको लोड करेंगे, ठीक है, लोड का ऑप्शन होगा, डायलॉग बॉक्स आपका शो होगा। तो जो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है यानी जो लोड करनी है उसके लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे ओपन बटन पर, किस पे, ओपन बटन पे, तो आपका प्रोसीड्योर क्या हो जाएगा, लोडिंग हो जाएगा। तो बेटा देखिए आपका रिपीट कमांड और MSW लोगो प्रोसीड्योर ऑफ MSW लोगो कंप्लीट हो गया है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा और हर एक स्टेप को वन बाय वन अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।